अक्सर मैं हमेशा गर्ल्स हाइजीन की बात करती आई हूँ, आज मैं बॉयज हाइजीन की भी बात करूंगी क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस बारे में बात इसलिए भी करती हूँ क्योंकि इसकी एजुकेशन दी नहीं जाती है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है। पेरेंट्स कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते, कुछ को ऑकवर्ड लगता है, तो ऐसे में आपको बी नेचुरल की वीडियोस मिल जाती है जहाँ क्लियरली आपको सारी गर्ल्स या बॉयज रिलेटेड या सेक्स रिलेटेड इश्यूज आपके सॉल्व हो जाते हैं। आज मैं बॉयज के हाइजीन को इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से मोर देन 65% मेल अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, एजुकेशन नहीं है, किसने सिखाया नहीं और हैबिट अच्छी है नहीं, इसलिए इसलिए आज हम बात करेंगे हाउ टू वॉश वजाइना एंड पीनस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, हम लड़कियों की वजाइना अपने आप खुद को साफ कर लेती है, सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, बॉयज के पास नहीं होता है, उनको फिजिकली साफ करना ही पड़ता है अपना पीनस। आप देख रहे हो पी नेचुरल, मैं हूं रेखा, बात करेंगे हाउ टू वॉश वजाइना एंड पीनस। बट बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप चाहते हो आपका नाम और आईडी मेरे चैनल पे फ्लैश हो तो आपको कमेंट करना होगा कौन सा वाला टिप आपको सबसे अच्छा लगा और बी नेचुरल क्यों पसंद है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाउ टू वॉश में सबसे पहले बॉयज के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉयज, हाउ यू कैन क्लीन योर पीनस। एंड गाइज, देर शुड बी नो शेम अबाउट इट। जैसे आपके दांत है वैसे ही आपके पीनस है, दांतों को साफ करते हो तो उसको भी साफ करना चाहिए। और बॉयज अक्सर नहाते नहीं है कई दिनों तक, और ना नहाओ तो भाई हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। अगर आप सही तरीके से अपने पीनस को साफ नहीं करते हो तो आपकी स्किन पे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस हो सकता है और भी बहुत कुछ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो सो वॉच दिस वीडियो टिल दी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको क्लीन करना जरूरी क्यों है। डेली लाइफ में बहुत सारा आप काम करते हो जिसकी वजह से पसीना आता है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, भागो दौड़ो, पसीना आता है, वहां भी पसीना आता है और स्वेट जम जाता है वहां पे, उसको साफ करना जरूरी है। इन केस आप मास्टरबेशन करते हो या सेक्स करते हो तो जो आपका इजैकुलेशन होता है उसकी वजह से भी जो स्पर्म सीमन वगैरह आपके पीनस के हेड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है उसको वहां से साफ करना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट बताती हूँ कि अब इसको क्लीन कैसे करना है। सो गाइस, यू शुड जेंटली पुल बैक योर फोरस्किन, क्लीन अराउंड द फोरस्किन। अपने फिंगर और थंब की हेल्प से जितना भी एक्सेस बिल्डअप वहां पे होगा उसको हटा देना और नॉर्मल वाटर से उसको रिंस कर देना। जो फोरस्किन को पहले आपने पुल बैक किया था अपने पीनस को क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के बाद उसको उसकी पोजीशन पे वापस ले आना। इससे जितने भी डर्ट, स्वेट, सीमन का बिल्डअप हो रखा होगा आपके फोरस्किन के अराउंड, ट्रैप हो रखा होगा, जितनी भी गंदगी, पानी से वो अच्छे से बाहर निकल आएगी। और ये सारे स्टेप्स आपको डेली फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक से दो बार। और स्पेशली जब भी आप मास्टरबेट करते हो या सेक्स करते हो उसके बाद, तो आपके पीनस को क्लीन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली जब भी आप वजाइना को वॉश करेंगे तो मेक श्योर हम कभी भी वजाइना वॉश नहीं करते हैं क्योंकि वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, वजाइना अपने आप को खुद क्लीन कर लेती है। और जब वो खुद को क्लीन करती है तो अंदर की जितनी गंदगी होती है वो वजाइनल फ्लूइड के रूप में, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, उसके रूप में बाहर आता है। तो वो आपके बल्वा जो हमें बाहर से नजर आ रहा होता है वजाइना का हिस्सा, उसको बल्वा कहते हैं। जैसे कि आउटर लिप्स होता है, वजाइनल लिप्स होते हैं, क्लिट होता है, तो वो सारा एरिया आपका बल्वा होता है जो हम देख पाते, जिसे हमें क्लीन करने की जरूरत होती है, जो खुद को खुद से क्लीन नहीं कर सकता है, उसे आपको ही क्लीन करना होता है फिजिकली अपने फिंगर्स से। सो आपको क्या करना है, जब आप नहा रहे होते हैं तो सिंपली वजाइनल लिप्स को अपने फिंगर्स से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे एंड देन आप अपने दूसरे हाथ के फिंगर्स से लेकर के उसको थोड़ा वाइप आउट कर देंगे, जितने भी मैल, गंदगी, या अगर आपने सेक्स किया होगा तो अंदर स्पर्म जो चला गया होगा, या आपने मास्टरबेशन किया होगा तो बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह जो भी रहता है वहां पे वो क्लीन हो जाता है, देन आप उसको वाटर से रिंस कर लेंगे। ये सिंपल प्रोसेस आपको करना है जब आपको फिंगर से क्लीन करना होता है, फिंगर वजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, ये बात याद रहे क्लीन करने के लिए। उसके बाद चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों की ही प्राइवेट बॉडी पार्ट पे हेयर होते हैं, तो जो आपके प्यूबिक हेयर होते हैं उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि देन अगर इसके ऊपर बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, डॉट हो जाता है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके ऊपर आप कोई सा भी अच्छा माइल्ड नेचुरल सोप या शार्जल या इंटीमेट वॉशेस आप ले सकते हैं, अपने हाथों में जरा सा वाटर लीजिए और उसको अपने जितने भी प्यूबिक हेयर के आसपास वाला एरिया होगा, बिकनी एयर वाला एरिया होगा जो आपका आपका बट वाला एरिया होगा, या वल्वा के बाहर बाहर इनर थाई के अराउंड, उसको आप अच्छे से लगा करके लेदर अप कर लेंगे, अच्छा झाग बना लेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से उसको रिंस कर लेंगे। दैट्स इट। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, दोनों ही इस हाइजीन स्टेप को फॉलो कीजिए और डेली फॉलो कीजिए। अब आप सोच रहे हो कि आप किस तरीके का सोप, शार्जल या इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी फैंसी चीजें मिल जाएंगी, बट आई वुड से कि आपको वो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सोप्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया के लिए सही नहीं है, सूट करे ना करे और ड्राई अप कर जाता है आपकी स्किन को। मैं पर्सनली यूज करना पसंद करती हूँ
इंटीमेट वॉश फ्रॉम नम्या, जिसके बारे में मैं आपको कई साल से बताती आ रही हूँ, और ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ये यूज करते हैं, हमें बहुत सही लगता है। यूज करने के स्टेप्स को अगर आप सही से फॉलो करोगे तो ये आप बहुत अच्छा इफेक्ट दे करके जाता है। सो गाइस, जितने भी हम लोग इंटीमेट केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें से सबसे फेवरेट मेरा नम्या इंटीमेट वॉश है। ये बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम माइल्ड है, कोई भी हार्ड फ्रेग्रेंस, हार्श केमिकल्स नहीं है। दिस इज नम्या इंटीमेट हाइजीन वॉश विद हल्दी एंड चंदन। तो हल्दी चंदन है इसके अंदर, तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने सारे डीआईवाईज में हल्दी चंदन तो डेफिनेटली यूज करती हूँ, और अपने इंटीमेट एरिया के लिए भी मैं यूज कर पा रही हूँ, विच इज अ ग्रेट थिंग। इसके अंदर कोई भी पैराबेन या SLS हार्मफुल चीजें नहीं है। अगर आपके इंटीमेट एरिया में आपको थोड़ी स्मेल आती है और स्वेट की स्मेल रह जाती है या खुजली होती है, तो आप ये वाला इंटीमेट वॉश एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द मस्ट बाय ऑप्शन। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है, इन केस यू वांट यू कैन ट्राई दैट। बस इसको नहाते टाइम आपको जरा सा लेना है, पंप बॉटल में आता है, थोड़ा सा पंप करके अपने हाथों में ले लीजिए, पानी के साथ इसमें झाग बना दीजिए और अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट पे लगा दीजिए। मैं इसको बिकनी एरिया, प्यूबिक हेयर, अपने बम हर जगह लगा लेती हूँ, एंड देन थोड़ी देर बाद वाटर से रिंस कर देती हूँ। दैट्स इट, बहुत अच्छे से इंटीमेट एरिया को ये क्लीन कर देता है और बहुत अफोर्डेबल भी है। गाइस, इसके अंदर नेचुरल चीजें भी हैं जैसे कि हल्दी, चंदन, क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा लीफ, जिसकी वजह से ये भी क्लीन करता है कि नेचुरली ये आपके स्किन को लाइट कर देता है। मैं अपना इंटीमेट हाइजीन रूटीन इसके बिना तो कभी सोच ही नहीं सकती हूँ, मतलब ये तो होना ही चाहिए। नहाने के लिए भले ही शार्जल ना हो, बट इंटीमेट वॉश के लिए ये तो मेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोप वहाँ पे लगाना मुझे बहुत डर लगता है। एक बार लगाया था मैंने, बहुत टाइम पहले सोप यूज किया था, सो बहुत ज्यादा इरिटेशन और जलन महसूस हुई थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो लेट मी नो। जब आपको पता नहीं होता है कि इंटीमेट हाइजीन कैसे आपको मेंटेन करनी है और गलती से आप अपनी वजाना में सोप लगा लेते हो तो हालत कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए आपके हर बॉडी पार्ट के लिए एक अलग चीज है, उसको वहीं के लिए यूज करो। फेस के लिए फेस वॉश होता है, बॉडी के लिए शावर होता है, वजाना के लिए इंटीमेट हाइजीन वॉश होता है, विच यू शुड ट्राई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गर्ल और बॉय दोनों ये यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी शादी हो रही हो तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर दिस रूल कि आपको हमेशा क्लीन फ्रंट टू बैक करना है। गर्ल है तो पहले आप अपना बिकनी एरिया, वल्वा एंड देन एनस क्लीन करेंगी, एंड देन बॉयज भी सेम, पहले अपने पीनस, टेस्टिकल एंड देन एनस को क्लीन करेंगे। कभी भी बैक टू फ्रंट नहीं जाना है, हमेशा फ्रंट टू बैक आना है। फ्रॉम एनस बैक्टीरिया स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए गाइस, मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं बताई है, मैंने बहुत बेसिक सिंपल चीज बताई है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। किसी के पेरेंट्स बता देते हैं, गाइड कर देते हैं, तो बड़े होने तक बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी किसके नहीं बता पाते हैं, ऑकवर्ड लगता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, और ऐसे ही वीडियोस देख करके उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बी नेचुरल ऐसे बहुत सारी गर्ल्स टॉक, बॉयज टॉक और सेक्स टॉक की वीडियोस हैं जिसे आप देख करके बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, और हर चीज का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, इचिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, गर्ल हो या बॉय, तो प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, उनको विजिट कीजिएगा। यूट्यूब पे कोई होम रेमेडी सॉल्यूशन अपने इंटीमेट एरिया के लिए मत ढूंढना। तो ये थी आज की गर्ल्स टॉक की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो गाइस शेयर जरूर करना, एक शेयर करना और एक लाइक करना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए डू वॉच माय व्लॉग्स ऑन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस रेखा बी नेचुरल, मेरी इंस्टा आईडी है, वहां फॉलो जरूर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।